जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मंचर मूवीज के हिंदी रिव्यू में। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिल्म जोकर को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी पहली फिल्म है जिसमें जोकर एक मुख्य पात्र है। अभी तक हमने जोकर को जिन भी फिल्मों में देखा है वो या तो विलन रहे हैं या फिर वो एक सपोर्टिंग कास्ट रहे हैं। और दोस्तों ये फिल्म जोकर की ओरिजिन स्टोरीज के बारे में है, तो उनकी कहाँ से शुरुआत होती है उस बारे में हमें बताया जाता है। दोस्तों अगर आपने डीसी की कॉमिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जोकर एक बहुत ही बड़े कैरेक्टर है और वो बैटमैन के सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। इनफैक्ट वो बैटमैन के सबसे बड़े दुश्मन है और उनकी और बैटमैन की रिलेशनशिप का डायनामिक काफ़ी स्ट्रांग है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी जोकर देखे हैं फिल्मों में वो या तो बैटमैन के विलन रहे हैं या फिर वो एक सपोर्टिंग कास्ट में रहे हैं, जैसे सुसाइड स्क्वाड में था। दोस्तों ये जो फिल्म है ये एक ऐसी पहली फिल्म है जिसमें जोकर जो है मुख्य पात्र में है और ये फिल्म जोकर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में है, तो हमें पता चलता है कि जोकर कौन था और वो कैसे जोकर बन गए। जोकर आर्थर फ्लेक की मुश्किल यात्रा के बारे में है। आर्थर फ्लेक जिसका किरदार जॉकिन फीनिक्स ने निभाया है, जो फिल्म में पेशे से एक विदूषक या मस्करे का रोल प्ले करते हैं और एक हास्य अभिनेता या एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं। आर्थर का जोकर में परिवर्तन होना एक काफ़ी वास्तविक तरीके से दिखाया गया है और अन्य सुपर हीरो फिल्म्स की तरह साइंस फिक्शन का सहारा नहीं लेता है। वैसे दोस्तों अभी तक ये माना जाता था कि हीट लेजर के जोकर की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रही है, पर वॉकिन फीनिक्स ने उसको एक लेवल और ऊपर कर दिया। जिस तरह से उनकी हंसी या वो नाच या जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने जोकर के कैरेक्टर को चार चांद लगा दिए। दोस्तों इस फिल्म में ब्रूस वेन भी हैं जो बाद में चल के बैटमैन बन जाएंगे, पर इस फिल्म में हमें बैटमैन नहीं दिखाया गया है क्योंकि इस फिल्म में ब्रूस वेन एक बच्चे हैं और इस फिल्म के माध्यम से डीसी ने एक आने वाली बैटमैन फिल्म्स के लिए काफ़ी अच्छी बुनियाद रख दी है। फिल्म ने बहुत ही चालाकी से दोस्तों अमेरिका की तत्कालीन स्थिति, जैसे बेरोजगारी, अत्यधिक पूंजीवाद और अमीरों के हाथ में बढ़ती ताकत काफ़ी अच्छे से दिखाई है। इस फिल्म में दोस्तों रॉबर्ट डिनेरो का भी एक पात्र है जो आर्थर के चरित्र निर्माण में काफ़ी अनिवार्य है। ये फिल्म रॉबर्ट डिनेरो की कुछ फिल्म्स जैसे टैक्सी ड्राइवर और किंग ऑफ कॉमेडी को एक छोटी श्रद्धांजलि भी देती है। ये फिल्म एक धीरे पकने वाले पकवान की तरह काफ़ी धीरज से हमें आर्थर से जोकर का परिवर्तन दिखाती है, जो तीसरे भाग तक पूरा होता है। अन्य फिल्मों की तरह नहीं जहाँ पे पहले ही भाग में हमारे मुख्य पात्र को पता चल जाता है कि उसके पास क्या शक्तियाँ हैं या वो क्या कर सकता है या वो कौन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इस फिल्म के निर्देशक टॉड फिलिप्स ने, जिन्होंने हैंगओवर जैसी फिल्म्स को डायरेक्ट किया है, उनके लिए ये एक काफ़ी अलग दिशा में फिल्म है और उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से निभाया है और इसमें काफ़ी सिद्धि प्राप्त की है। दोस्तों फिल्म के चलचित्रण या सिनेमाटोग्राफी में भी कोई कमी नहीं है। जिस तरह से फिल्म के कलर्स है वो देख के लगता है कि जो आर्थर फील कर रहा है अंदर और जो उसके आसपास हो रहा है वो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। चलिए दोस्तों आ रहे रेटिंग्स पे। तो इस फिल्म की डायरेक्शन के लिए मैं दूंगा इसको 5/3 स्टार। वॉकिन फीनिक्स की परफॉर्मेंस के लिए मैं दूंगा इसको 5/4 स्टार। और ओवरऑल दोस्तों मैं दूंगा इसको 5/4 स्टार। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप क्या कर रहे हैं, इससे पहले ये फिल्म हट जाए आप ये फिल्म जाकर ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये 2019 की अभी तक की सबसे बढ़िया फिल्म है। ऑब्वियसली एंड गेम एक काफ़ी बढ़िया फिल्म थी, पर एंड गेम और जोकर दो अलग अलग साइड में हैं और ये 2019 की शायद सबसे बढ़िया फिल्म है अभी तक। चलिए दोस्तों ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके विचार क्या हैं इस फिल्म के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों मेरे मित्र हर्ष और श्रेयस ने एक एपिसोड निकाला है गुड बैड एंड फिल्मी का, जिसमें उन्होंने इस फिल्म का रिव्यू और विस्तार से किया है। उन लोगों ने एक और वीडियो निकाला है जिसमें वो इस फिल्म के बारे में जो स्पॉयलर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। और तो अगर आप चाहें तो दोस्तों आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, आप उनको यहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आप स्वस्थ रहिए।